Peaches. तब से यही बुराइयां कर रहे हैं कितने गंदे हो। Hey guys and welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. And let me know आपको मेरा टाल क्राउन कैसा लगा? ये मैंने बहुत लेट आपको पता है? मुझे बहुत फैंसी लगता था से मूवीज में करती थी ना गर्ल्स ऐसे करके फिर से बाल छिटक के फिर ऐसे स्लो में होता था तो मुझे बहुत फैंसी लगता था तो मैंने बहुत लेट सीखा था अभी मैंने खुल गया क्योंकि मैंने टी शर्ट पहनी है ना तो ऐसे हो जाता है आप समझ रहे होंगे वेरी रैंडम थिंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बट इट्स ओके तो आज का दिन थोड़ा बड़ा दिन है काइंड ऑफ बिकॉज बड़ा एज इन प्रोडक्टिविटी वाइज बिकॉज अभी मेरे को रेडी होना है उसके बाद मुझे जाना है शूट पे कम्प्लीट करते करते आई थिंक शाम तो हो जाने वाली है बिकॉज अभी 5:15 हो चुके हैं करते करते आई थिंक 7:30 से भी ज़्यादा बच सकते मुझे बट एनी वे उसके बाद आई विल गो फॉर डिनर विद आशना एंड रिशु एंड वील बी रिव्यूइंग वन ऑफ द बेस्ट रेटेड लिस्ट वाले रेस्टोरेंट जो मेरे को मिला अपने आसपास से नहीं थोड़ा दूर है बट चलेगा और मैं बाल खोलती हूँ बाल खींच रहे हैं नंदे जब कलर नहीं होता ना बाल तो बालों की ग्रोथ इतनी कम होती है या फिर पता नहीं चलता है आई एम नॉट श्योर बट जब कलर करा लो ना स्पेशली ग्लोबल आपके रूट्स बढ़ने लग जाते हैं बालों से तो समझ आ जाता है कि इतनी जल्दी कैसे बढ़ते हैं बाल भाई कलर कराने के बाद ही ग्लोबल कराने के बाद ही इतनी जल्दी बढ़ने लग जाते हैं ये कौन सी बात है का इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है जो शैम्पू एंड हेयर क्रीम यूज करती हूँ तो उसकी वजह से भी हो सकता है मेरे बाल जल्दी बढ़ रहे हैं अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि ये वाला मंथ अक्टूबर नवंबर जो है बहुत ज्यादा कुछ हेक्टिक रहा है मेरे लिए और बाल थोड़े अनमैनेजेबल तो लॉट ऑफ वर्क लॉट ऑफ टाइम लाइन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट व्लॉग में अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो पहले वो व्लॉग बिकॉज में बहुत कैचिंग अप थी आप लोग के साथ एंड बाय द वे फॉर माई हेयर टुडे आई हैव यूज्ड द लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंस वाली रेंज जो मैंने पहले भी बात की थी इसके बारे में आई थिंक द रिस्टोरिंग शैम्पू एंड द डिटैंगलिंग कंडीशनर एंड इट हैज ऑलवेज वर्क वंडर्स फॉर मी सो दैट्स दैट अनदर रीजन व्हाई आई रियली लव दिस रेंज इज बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग रहता है बालों में कलरिंग रहता है अभी भी मैंने कराया आपको पता है कलरिंग रहता है ट्रैवलिंग रहता है सब कुछ रहता है ना तो बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जो हमें पता भी नहीं लगता बट दिस हैज हेल्प माय हेयर अ लॉट सो दैट्स व्हाई आई हैव नेवर स्टॉप्ड यूजिंग इट एवर सिंस आई यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम बट नीड नॉट वरी बिकॉज दिस ड्रीम लेंस रेंज हैज अ स्टार प्रोडक्ट विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट विच इज द ड्रीम लेंस नो हेयर कट क्रीम इट्स द फर्स्ट लीव इन हेयर क्रीम एंड नॉट ओनली इट गिव्स शाइन टू योर हेयर बट ऑल्सो ये इंटरनली रीजनरेट करते हैं आपके हेयर एंड सी यूज द स्प्लिट एंड्स जो लंबे बाल आपको अगर करने हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है बिकॉज स्प्लिट एंड्स की वजह से हमारी ग्रोथ बहुत रुक जाती है सो दिस सी यूज द स्प्लिट एंड्स एज वेल एंड आई लव दिस प्रोडक्ट एज यू नो इट कंटेन्स वेजिटल केराटिन कैस्टर ऑयल एंड एसेंशियल विटामिंस It's sulfate free and paraben free that not only gives nourish and healthy lengths and tips but can also be used as a heat protectant. It protects hair from heat damage up to 180 degrees and it's best used on wet hair. I'm saying yes to longer hair, yes to transformed hair with no haircut cream this festive season. You can get the 200ml bottle at ₹499. You can check out the links in my description box below and let me know if you're using it and aapke liye kaisa workout kiya. Now I'll go get ready, get changed, wear makeup. So I'll see you guys in a while. Beach ka part aapke liye skip rahega. See you guys at dinner. Yaar mujhe bhook lag jayegi raat tak after shoot. To acha khana khana chahiye. But see you guys in a while. Aapke liye to 2 second honge but mere liye kuch ghante. See you. So guys, it's been a long while. Sorry, hanger. मैंने भी देखा मैं कर रही थी इस पे इट्स बिन अ लॉन्ग वाइल सिंस आई लास्ट पिक्ड अप माई कैमरा सो इट्स बिन अ प्रीटी लॉन्ग डे जो आजकल रोज ही हो रहा है बट आई हैड टू लुक्स टू शूट एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द शूट एंड आई कर्ल माई हेयर अ बिट थोड़ा अलग करने के लिए ना एक में मैंने स्ट्रेट ही रखे थे जैसे मैंने पहले रखे हुए थे बिकॉज बहुत फ्रेश लग रहे थे एंड सेकेंड में आई कर्ल माई हेयर एंड अभी भी थोड़े खुल चुके हैं बट इट्स ओके सो आई एम गोइंग टू डिनर विद आशना एंड ऋषभ इट्स अ प्लेस इन बैंड्रा एंड आई लेट यू नो द कम्प्लीट डिटेल्स ऑन माई वेदर फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं वहाँ पे बट उसका रिव्यू एंड रेटिंग्स काफी ज्यादा अच्छे हैं सो दिस इज माई blue brown white and new वैसे भी अब इसको ड्राई क्लीन कराने वाला है कारपेट है थोड़ा एंड आई डिसाइडेड टू गो विद एन ऑरेंज बैग बिकॉज ब्राउन एंड ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट आई लाइक संकेत का टायर यहाँ पड़ा है जस्ट घरेलू थिंग्स फाइनली आशा ने मुझे पिक किया ऋषभ ने मैं बहुत स्मूथली मेरी सीट हड़प ली है बट आई एम वेरी मैं पहले आएंगे आपको हमारा पता नहीं है सीन क्योंकि पहले मैं सीन ऑन लेन ऑन है हमारा ओह सॉरी बट मैं जल्दी आया हूं ना कोई जल्दी नहीं आया गाइस तू लेट हो गई है मैं घर से उतरने में इसमें थोड़ा नीचे आ जाता अभी नीचे आऊंगी ना कि पहले खड़ी हो जाऊं मैं तो मैं टाइम तो कभी नहीं हो सकता मैं टाइम पे आया ऋषभ नहाया हुआ था फिर भी ऋषभ ने 20 मिनट लेट किया
नहाया हुआ था 3 घंटे पहले से, फिर भी मेरे को लगा आज तो चलो मैं थोड़ा वीडियोस बना रहा था, जरा तुम्हें कुछ टाइम लग गया। कहीं और भी जा सकते हैं, बट मेरा नई जगह जाने का मन था, हम जो और काफी अच्छी डाइनिंग वाला कैसा है बट जो खाने का मैटर आ गया हमें जो फोन कर दिया है अंदर भी है इसका बहुत स्वीट सा क्यूट सा सेटिंग, बट अंदर बेकेट नहीं है तो हम बाहर बैठे, थोड़ा शोर भी हो सकता है म्यूजिक का एंड लोगों का, बट इट्स ओके। सो गाइस फर्स्ट जो हमारा रिव्यू जो सॉरी फर्स्ट क्या कहते हैं इंप्रेशन जो था वो था बहुत ही अच्छा कोजी कैफे टाइप प्लेस है एंड इट्स लाइक मेनली अ बार कैफे, बार कैफे कुछ होता है तो मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ पे बड़ा सा बार है वही सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली सबसे डोमिनेंट वही है यहाँ पे जो दिख रहा है। मैं सब बोल रहा है मैं बहुत टोन होने वाला हूँ यहाँ पे, बोल रहा है कह रहा मैं बहुत कह रहे मेरे को बहुत पीना है वो हम खाने की यहाँ देख रहे हैं, कह रहे बेवरेज देखूंगा। और एक एक और चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि तीन लोगों में सिर्फ एक फूड मेन्यू और एक बेवरेज मेन्यू दिया है, एक ये नहीं करते, ऐसे नहीं करना चाहिए ना इनको थोड़ा। हाँ वो QR कोड वाला चल रहा था बट हाँ सेम, तो अभी यहाँ पे मेन्यू वाला सीन आ गया शायद हर जगह वापस एंड अभी हम और मेन्यू देख के मुझे बहुत बोल रही हूँ ना अमीर लोगों के चोंचले टाइप का खाना वैसा लग रहा है मुझे। इनका बेस्ट सेलर भी मंगवाया हमने, सो लेट्स सी हाउ इट टेस्ट एंड ऑर्डर आएंगे। फॉर बेवरेजेस हमारी काफ़ी वैरायटी है, आई एम हैविंग क्लासिक कोल्ड कॉफ़ी, आशना इज हैविंग हॉट चॉकलेट बिकॉज आशना गला थोड़ा ख़राब है बट वेरी टेम्पटिंग विद क्यूटी क्यूटी बनाना केक स्लाइसेस एंड ऋषभ इज हैविंग वाइन, बोल रहा है इट्स 9 o'clock बोल रहा है इट्स नेवर टू लेट फॉर वाइन, all every time is wine time, cheers 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 first order is here, ye hai mashed potatoes and ye isme ye inka best seller wala tha na, ye inka naya dish hai kuch to pata nahi kya flavor tha bhul gayi main but so record karte karte hi almost sab kuch aa gaya, this is the cheese and herb garlic toast एंड ये हम आई वॉज इस पर थी मैं, ये बेस्ट सेलर है यहाँ का और इनका नया डिश है सो हमने बोला क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए, हमस एंड पिज़्ज़ा ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन एंड ऑलवेज अ वेरी टेस्टी ऑप्शन एंड मैश पोटैटो तो बता ही चुकी, तो चलो मैं तुम लोग का रिएक्शन लेती हूँ, पहले एक चीज़ ट्राई कर लो। ओके एवरेज डिजास्टर ये बेस्ट सेलर डिश वाला था, अच्छा है बेस्ट सेलर के लायक है, चलो हाँ वो तो दिख ही रहा है बट उसके ऊपर ही कुछ कौन सा चीज़ था आज ना बुराटा चीज़ है ये जो भी है ऊपर डाला हुआ, और मेरी कोल्ड कॉफी में चीनी नहीं है यार बुरा लग रहा है मेरे को। आशी ये ट्राई कर, मैंने अभी ये ट्राई किया है विद हमस एंड टू बी ऑनेस्ट 215 बट मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि तुम दोनों को ये बहुत पसंद आएगा, हम यही ट्राई करेंगे शायद ऐड हो गए बॉय जितने अभी अच्छा लग रहा है। नाइस 3.5 ठंडा हो गया थोड़ा
मेरे को ये टेस्ट करना है यार। नहीं हट पागल, नहीं बिल्कुल चीज बॉल नहीं गाइस। इसमें से सिर्फ ये थोड़ा ठीक था और ये बहुत टेस्टी था। अभी तक मैं इसको दूंगी जो कि हमें फ्री मिला है। आपको भी चीज बॉल लग रहा है? मेरे को तो नॉर्मल गार्लिक चीज सॉस ऐसा ही होता है। आई थिंक हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से थोड़ा थ्री स्टार रेटेड ही अच्छी लगती है, बिकॉज हमें थोड़ा देसी बना चाहिए होता है खाने में। थोड़ा मतलब कुछ लोग की ये प्रेफरेंस होती है, बट हमारी नहीं है डेफिनेटली। इससे मुझे बहुत एवरेज लगा, इतने अच्छे अच्छे पास्ता खाए हैं। तो हमारे लिए इतना कोई सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, इतना कोई सरप्राइजिंग प्लेस नहीं है। हाँ, मतलब वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें बिल्कुल नहीं मिला। एंड नॉट इवन बेवरेजेस में मुझे कॉफ़ी में बर्फ़ भी नहीं है, कोल्ड ब्रू में बर्फ़ नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा। फाइनल रिव्यू ऑफ दिस प्लेस। थ्री Guys, Ashan gave half marks. Rishu ne 1.24 only for wine 1 point mila Rishu ko aur Rishu ne diya. I will give 2. Isme se 1.5 is for the ambiance and 0.5 pani ke liye aur kuch nahi aise. Aur matlab staff is also good, sab acha hai, but food quality wise हम तीनों को ही पसंद नहीं आया। और ऐसा नहीं होता कि तीनों को सारी चीजें ना पसंद आए। एग्जैक्टली, हम चिली गार्लिक मैगी पे पागल होते हैं। हां एग्जैक्टली। अब तो हम थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम कहीं और चले जाए, शायद कि थोड़ा पेट भर जाए। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पेट थोड़ा भरा है बट सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। Just got out of the place and आपने reviews हमारे सुन लिए होंगे। I hope अंदर audio थोड़ा ठीक आयो। I'll say ambience was good, we liked the ambience, but for food हम आपको नहीं recommend करेंगे कि आप यहाँ पे आओ। सोच रहे हैं कि हम कहीं और ही चले जाएँ, थोड़ा स्नैकी बाइट लेंगे। सोच रही हूँ कुछ मतलब एकदम हाँ थोड़ा सा जो हमें टेस्ट बहुत सैटिस्फाई कर दो, और कुछ भी हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ा अच्छा। पूछा ना उसने, बोला यू डिडंट लाइक द फूड, हमने बोला वी आर फुल, झूठ बोल के आ गए बहुत सारा सा। सो आई मैंने सुना नहीं था, इसलिए हमें ऑकवर्ड हो गया। इनको ना थोड़ा बहुत डेलिबरेट ले लिया इन्होंने नेम्स को, एकदम कह रहे जो नाम रखा है वही बनाएंगे। मतलब अच्छा बेस्ट रेटेड का नाम रिवील कर रही है। हाँ कर चुकी मैं। चलो मैं 5 स्टार वाला देख रही थी, जो 5 स्टार रिव्यू थे गूगल पे, बट वो पता है क्या थे, मेनली ढाबे डूबे थे। तो मैंने बोला ये तो देसी लोगों ने तो वो किया है खाने के बेसिस पे, क्योंकि उनका बेस्ट खाना होता है लिटरली। बट मेरे को डाइन इन प्लेस चाहिए था कोई, तो इसका मुझे एम्बियंस एंड एवरीथिंग अच्छा लगा। चलो ये तो दाल हुआ है। बेनी बेनी नहीं दाल हुआ। हाँ दाल हुआ। अरे दाल हुआ, बेचारा ढूंढ रहा है अपने मम्मी पापा को, भौंक रहा है। कितना म्यूमी है, म्यूमी माए। आई एम फाइनली वेयर आई बिलोंग, ये बोला भूल गई। ऋषभ को हमने वहीं छोड़ दिया गाइस, तो उसको खाना अच्छा लगा था, हमने उससे दोस्ती तोड़ दी। मतलब वहाँ पे वो बेसिकली वो है खाने के लिए, हाँ, वो बेसिकली खाने के लिए जगह नहीं है, वो बेसिकली है कि तुमने फ्रेंड्स के साथ गए हो और तुम्हें और कॉफी पी रहे हो, पर कॉफी भी गंदी पीनी है। वाइन और बियर आई थिंक, मतलब वाइन टाइप था वो। मतलब प्राइसिंग का नहीं बताया मैंने, प्राइसिंग वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, मतलब समझा नहीं मुझे, ना ज्यादा सस्ता था और ना बहुत ही एक्सपेंसिव था। ओके था, हाँ तो मॉडरेट था, ओके प्राइसेस थे, लाइक 400-500 वाले ही प्राइसेस थे, ज्यादा हाई प्राइसेस भी नहीं थे। सो वो चीज वाज ओके। तब से यही बुराइयां कर रहे हैं, कितने गंदे हैं। सो गाइस अब हम आ गए सेकंड जगह पे, जो हमने सोचा था ये वो जगह तो नहीं है, बिकॉज वो क्लोज थी। एंड वी आर एट लव एंड लाते, जो हम बचपन में आया करते थे, जब हम छोटे छोटे गेम्स खेलते थे। हाँ ये मैं जब ये लोग आते थे यहाँ पे, तब तक मैं दिल्ली में थी, तो मैं बहुत जेलस होती थी। हाँ पर वो ज्यादा क्या, अभी मतलब उसी का दूसरा ब्रांच है, तो यहाँ पे भी हम कब आए हैं, मतलब जब म्यूजिक रिहर्सल तब बहुत आते थे। और मेरा कॉपीराइट तो नहीं रहेगा। From wine to ice cream. ये मैंने गाइस ये वनीला आइस लाते, एंड आई लाइक दिस वन, ये अच्छी है। और ये प्याज से भरा तो मैं नहीं खाने वाली, ऋषु ही खाएगा।
मैंने पास्ता मंगाया अपने लिए। पास्ता मैं भी खाऊंगा। नहीं खा, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं जस्ट करें। टेस्ट टेस्ट। ये उससे कम बेहतर तो कॉस्ट ठीक है, बट मतलब उससे बेटर लगा तो मैं, बट अच्छा हो सकता था, मतलब ऐसे नहीं कि ये भी ओके ओके। हां फिर हम निकल चुके हैं यहां से भी, एंड फोकस न्यू कैमरा को गिफ्ट करना चाहे तो ऑलवेज वेलकम, एंड नहीं इसका भी सही है। और आशना निकल गई है मूवी देखने, बिकॉज बाकी लोग ऑलमोस्ट सारे मेरे लेसेस हो गए, बाकी ऑलमोस्ट सब इकट्ठे नहीं। ओहो बस ही पकड़ ले एक सेकंड रुको। यस सो सॉरी, हमें रिक्शा भी मिल गया तो मैं रिक्शा में बैठ गई हूँ, तो बाकी कौन को अभी कॉन्टिन्यू रखते हैं, थोड़ी आवाज़ आएगी बट। सो गाइस वी आर फाइनली बैक होम, सॉरी थोड़ा टाइम लगा, ऐसे ऐसे पहले हम सड़क पे चल रहे थे, फिर मैंने ऑटो में क्लिप लिया, फिर सीधा घर लोग बोल रहे ये क्या हो रहा है, बट डे आउट हो गया हमारा, यस नाइट आउट काफी ज्यादा। और अब हम फाइनली घर आ चुके हैं, आशना इज स्टिल एट द मूवीज ऑफ कोर्स, सो दैट वाज इट अबाउट काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड जो सेकंड जगह हम गए ना, वो सिर्फ बेसिकली इट्स अ कॉफी प्लेस, वो हमने वो वीडियो का पार्ट था नहीं, बट बिकॉज़ एक्स्ट्रा इसलिए हुआ बिकॉज़ वी वर सैटिस्फैक्शन ही हमको पहली जगह पे, और दूसरी जगह पे कुछ खास नहीं मिली, बट जरा पेट ऐसा लग रहा है, मेरा स्टमक इज वेरी अपसेट राइट नाउ, एग्जैक्टली मेरे को थोड़ा वॉशरूम बहुत ज्यादा ना अनइजी फील हो रहा है पेट में, मैंने ग्रीन टी पीऊंगी क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सेटल करना है, जो भी जम गया है यहाँ पे कुछ गंदा सा, बट वी होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस फेल्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ आर्स, बट होपफुली नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं रहेगा, मैं कोई और भी चीज की बनाऊंगी ऐसी बेस्ट एंड वर्स्ट रेटेड वाला चीज। आप कमेंट्स में हमको बताओ अगर ऐसा कुछ करना है तो, व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन माय चैनल, एंड आई विल शॉर्टली डू दैट फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिशु चैनल, आशु चैनल, एंड एवरीबॉडीज का चैनल, सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी दिवाली।